वालेकुम गाइस, ये मेरा भाई इस्मार जो कि चटनी बना रहा है, तो चले देखे इस्मार क्या कर रहा है। हेलो एवरीवन, आइए आप सबको मैं मदनी चटनी बनाने का तरीका बताता हूँ। मदनी चटनी जो कि एक इस्लामिक चटनी है, ठीक है। ये हम डंडा लाए हैं जी, इस्लामिक डंडा है, ये भी मक्का मुकरमा से ऑर्डर किया था मेरी मामा जी ने। आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले आप इसको दाएं हाथ में पकड़ेंगे, ठीक है। इसका जो रेड वाला हिस्सा है, यहाँ से आपने पकड़ना है इसको, और फिर आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर इसको आपने ऐसे सीधा डायरेक्शन इसकी करनी है, अपवर्ड्स डाउन। ये रेड वाली साइड आपकी ऊपर की तरफ आनी चाहिए, और इसको सीधा डायरेक्ट लंगड़ी में डालना है, जो भी ये बटा होता है इसमें। और इसको कूटते जाएँ। मम्मा आपकी वायर चला के इसमें अनारदाना डालेंगी, फिर धनिया डालेंगी, फिर मिर्चें डालेंगी, फिर इसको कूटते जाएँ, जैसे बचपन में आपने मार खाई। तो स्मार, ये चटनी पूरी आप खुद, आपकी अपनी रेसिपी है? ये तो मेरी माँ की रेसिपी है, मैं तो सिर्फ टक टक के करता हूँ। आप सिर्फ कूट रहे हैं जैसे बचपन में आपने कूट खाई है? यस। इसमें अभी आपने क्या क्या डाल दिया है, प्लीज एक्सप्लेन। पता नहीं, मामा ने ऐसी ला के दिया, मैं तो ये मदनी डंडा लेके इसकी टक टक लगाई हुई है। मेरे काम वाली कॉल आ गई। इसमें कितना टाइम लगेगा स्मार आपको? मुझे तो लगता है इसमें डेढ़ से दो दिन लग जाते हैं नॉर्मली इस चटनी को करने के लिए, क्योंकि इस्लामिक चटनी है, बहुत टाइम लगता है। सुबह सहरी के वक्त लगते हैं, अफ्तारी भी इसी में जाती है, कभी कभी दो सहरी अफ्तारियां भी इसमें जाती हैं। मामा, इसमें बाकी चीजें कब डालेंगी? इसमें सब कुछ डाला हुआ है, आपने गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दी व्यूअर्स को कि इसमें अनारदाना बाद में डलेगा? मैंने कहा मामा ने सब कुछ डाल दिया, आपने सुना नहीं। अच्छा, सॉरी। तो चलें अब हम बंद करते हैं इस वीडियो को। नहीं, मेरी चटनी देख के। जब अस्मार ये चटनी मिक्स करेंगे तब हम आपको फिर दिखाएंगे इसकी फाइनल लुक। स्टे ट्यून्ड व्यूअर्स। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो मैं रेडी हूँ अपनी चटनी के साथ। ये है जी मदनी चटनी, देख सकते हैं आप। रेडी टू ईट इन अफ्तारी विद समोसा एंड पकौड़ा। बाय बाय।